गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्लास. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी 2022 पूरे महीने के करंट अफेयर्स को. एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मंथली करंट अफेयर्स बोल के, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं. हर एक मंथ का करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे अपडेटेड मिलेगा और कम्युनिटी टैब में डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको अपडेट मिलेगा. सो लेट अस बिगिन विथ आवर टुडेज क्लास. जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं डबल स्टार यहाँ पे लगा दूंगी. द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस हैज़ गिवन द ऑथराइजेशन टू विच बैंक टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू देयर सिलेक्टेड ब्रांचेस. गेस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने किस बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए दिया होगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. The 46th GST Council meeting chaired by the Finance Minister Nirmala Sitharaman, the GST rate on biodiesel has been reduced from 12% to what percent? Government, काफी सारे चीजों में 5%. The same guess works here also because आपका reduce करके कितना percent हुआ है? Reduce करके हुआ है 5%. पहले कितना था? 12%. Recently, the Prime Minister of India has laid the foundation stone of Major Dhyan Chand Sports University in which city? बहुत important question है. Recently, the Prime Minister of India has laid the foundation stone of Major Dhyan Chand Sports University in Meerut. ध्यान रखना है मेरठ में. बहुत important question है. Who has been, in fact, मैं जहाँ पे double star लगा रही हूँ आप उन क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्म में लिखते जा सकते हैं. हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 पोस्टमोसली बाय द मुंबई प्रेस क्लब. इसका मतलब आफ्टर डेथ पोस्टमोसली उनको जो है यहाँ पे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 मिला है. किन्हें मिला है? डैनिश सिद्दीकी. Which English novel writer has been awarded the Sahitya Academy Award 2021 for her novel Things to Leave Behind? इस novel के लिए Things to Leave Behind के लिए Sahitya Academy Award किन्हें मिला है? नमिता गोखले को Things to Leave Behind के लिए Sahitya Academy Award 2021 मिला है. Next question में आते हैं. The All India Coordinated Research Project on Poultry Breeding, मैनुथी कहाँ पे है? इसका लोकेशन ही है केरला में. मैनुथी लिखा हुआ है, इसका मतलब केरला. केरला में से एक आंसर होगा. अंदर विच यूनिवर्सिटी बैक द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021? तो ये मिला है केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी. Who will hold the additional charge of Sahastra Seema Bal in place of Kumar Rajesh Chandra? So this will be held by Sanjay Arora. Which country has launched its first in the series project 22220 versatile nuclear series icebreaker known as Sibir? तो Sibir को यहाँ पे launch किया है रशिया ने. द इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश द क्वांटम लैब एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन विच स्टेट? इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है क्वांटम लैब. नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्विटी स्मॉल फिनेंस बैंक हु हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली. आंसर वासुदेवन पी एन. दो स्टेटमेंट आई होप आपने यहाँ पे लिख लिया होगा. एक मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुला है? मेरठ में यहाँ पे ओपन कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. एंड नंबर टू, विच इंग्लिश नोवेल राइटर हैज़ वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर थिंग्स टू लीव बिहाइंड? नमिता गोखले. दीज टू, वन एंड टू, वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो स्टेटमेंट कम से कम लिखते हुए आगे बढ़िए. पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट ये दो स्टेटमेंट कम से कम लिखते हुए आगे बढ़िए. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ 5-year रोड मैप टू अचीव इट्स गोल्स ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन हब बाय द ईयर 2025? गेस कीजिए. 2025 तक ये ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन हब बन जाएगा चाइना. गवर्नर ऑफ सिक्किम
हैज नेम द जवाहरलाल नेहरू मार्ग आफ्टर हुज नेम. गवर्नर ऑफ सिक्किम कौन है? श्री गंगा प्रसाद. श्री गंगा प्रसाद हैज नेम द जवाहरलाल नेहरू मार्ग किनके नाम के पीछे? नरेंद्र मोदी मार्ग, इसको रीनेम कर दिया गया है. गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट इज हु हैज बिकम इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट. आंसर अनुपम रॉय. विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री? ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका. Which of the following New Zealand's cricketer has recently announced his retirement from all formats of international cricket? यहाँ पे रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, नरेंद्र कुमार निकनेम है यहाँ पे बुल, नरेंद्र कुमार हैज पास्ड अवे रिसेंटली. In which operation does he played a major role? So he played a major role in the 1984 appointed new chairman of railway board. Railway board के new chairman किन्हें appoint किया गया है? Sunit Sharma. If you are appearing for railways, very important question. Sunit Sharma, new chairman of railway board. Otherwise भी पूछा जा सकता है. The Asian Development Bank and the Government of India has signed a $231 million loan to augment electricity generation capacity in which state? So, Assam के अंदर electricity generation के लिए Asian Development Bank, यहाँ पे question में ये भी पूछा जा सकता है कि World Bank की Asian Development Bank, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे Asian Development Bank electricity generation project in Assam, क्योंकि आपका in the past पूछा गया था गंगा क्लीन गंगा इनिशिएटिव में कौन सा बैंक ने रोल प्ले किया, तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आपको ध्यान रखना है. एशियन डेवलपमेंट बैंक. विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम? तो ग्राम उजाला प्रोग्राम कौन हो सकता है, गेस कीजिए. उजाला है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, करेक्ट. विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज पास्ड अ बिल टू गिव मोर पावर टू हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज? तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर इसको पास किया गया है. यहाँ से आपको ग्राम उजाला प्रोग्राम मेरे ख्याल से याद ही रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे. अब्दुल्ला हेमडॉक हु हैज रिजाइंड रिसेंटली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान, और वहाँ पे कुछ समय पहले ही प्राइम, कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ था दोबारा से प्राइम मिनिस्टर का प्रोसेस. कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार. कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड विच रीडिंग कैंपेन फॉर 100 days? 100 days का ये जो रीडिंग कैंपेन है वो है पढ़े भारत. आपको नाम्स एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, पढ़े भारत. हु हैज बीन टेकन ओवर एज, हु हैज टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे कौन है? वी एस पठानिया. विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इनॉग्रेटेड डिजी जोन टू सेल पॉलिसीज ऑनलाइन? ऑनलाइन पॉलिसीज सेल करने के लिए LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज स्टार्टेड डिजी जोन प्रोजेक्ट, डिजी जोन. नेक्स्ट इज SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज टाइड अप विथ विच कंपनी फॉर कार्ड टोकनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ द कार्ड होल्डर? पेटीएम के साथ टाई अप किया है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने, जो कार्ड होल्डर्स होंगे उनके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI हैज आइडेंटिफाइड विच कंपनी एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस फॉर द ईयर 2021-22? गेस कीजिए कौन? LIC. सिर्फ LIC ही नहीं, LIC, रिलायंस एंड न्यू इंडिया, ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल थ्री आर आइडेंटिफाइड
as domestic systematically important insurers. So all of the above. Which state government has launched the online services for the verification of identity and submission of life certificates for pensioners of the state government? क्या होता है, पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए उन लोग को जाना पड़ता है ऑफलाइन, जो है कि लाइफ अभी भी वो जिंदा है और ये लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोसेस इसको कहते हैं. तो ये इस प्रोसेस को ऑनलाइन की स्टेट ने यहाँ पे कर दिया है, उड़ीसा ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है. हु हैज़ बीन नेम्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? आंसर, बलदेव प्रकाश. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन्ड इन विच कंट्री? इम्पॉर्टेंट है. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन गेस कर सकते हैं यहाँ पे, चाइना. हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो काफी सारा चीजें लार्जेस्ट यहाँ पे होता रहता है. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ PGI सेटेलाइट सेंटर इन विच स्टेट? पंजाब के अंदर इसे फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा है. वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल दोज हु आर स्पेशली एबल्ड, आप कह सकते हैं कि जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए यहाँ पे ब्रेल होता है. एंड दे ऑल्सो कैन स्टडी एग्जैक्टली सिमिलर टू नॉर्मल पीपल थ्रू द ब्रेल. सो वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व ऑन 4th of January. विच ड्रोन मेकर कंपनी विल मैप 1000 UP विलेजेस अंडर स्वामित्व स्कीम? कौन सा ड्रोन कंपनी इसको देखेगी? गरुदा, गरुदा एरोस्पेस. विच फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड बोरोनिस एमोस आर टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रेटर विच इज इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सीनियर ऑर्डर ऑफ शिवेलरी? तो यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा बर्नर्स एमोस एंड टोनी ब्लेयर को. टोनी ब्लेयर विल बी अपॉइंटेड. विनोद खन्ना हैज बीन नेम्ड एज नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? विनोद खन्ना हैज बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस. इंपॉर्टेंट है, टाटा के साथ कोलेबोरेशन है विस्तारा. India has invited a total of 46 friendly foreign countries to participate in which multinational naval exercise in Vishakhapatnam? So India exercise Milan in Vishakhapatnam. Kiske saath hoga? 46 friendly foreign countries ke saath. So isiliye exercise Milan kafi baar exam mein dekhne ko milta hai, because there are 46 countries in this. क्या पूछ रहे? These are very small things, no? Insurance Regulatory and Development Authority of India. Okay. Which country has test fired new hypersonic Shrikan missile 2022? So this has been done by again Russia. Who is the woman representative in the parliamentary standing committee constituted to examine the prohibition of child marriage amendment bill 2021? Child marriage prohibition karne ke liye ye important question hai. Marriage ke age ko 21 karne ke baad ye question puche jane ka sambhavna kafi zyada hai. So who is the woman representative in the parliamentary standing committee? Answer, Sushmita Dev. Vijay Galani, who has passed away recently, was a famous producer. Which country has taken over European Union presidency for the next 6 months? France has taken over. Yahan se jo bahut important question banta hai, that is the Child Marriage Amendment Bill 2021. Iska aapko dhyan rakhna hai, kyunki abhi marriage age has been increased to 21. Okay, ये question ध्यान रखना है. Exercise Milan तो काफ़ी बार repeat हो चुका है, तो आप लोग को पता ही होगा कि Exercise Milan जो है ये क्या है. India invites 46 friendly nation to participate, और ये एक आपका naval exercise है. Who has been named as the new chairperson of United Nations Counter Terrorism Committee for 2022? Answer, T.S. Tirumurthy.
हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन, मतलब मान के चलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका ये पूछा जरूर जाएगा, जहां पे भी फर्स्ट वुमेन हो, फर्स्ट इंडियन हो, फर्स्ट इन इंडिया हो, दीज आर इम्पोर्टेंट. हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कंप्लीट अ सोलो ट्रैक टू द साउथ पोल इन 40 डेज. पहली महिला जो कि यहाँ पे सोलो ट्रैक यहाँ पे किए है साउथ पोल में 40 डेज के लिए, हरप्रीत चांदी. हु हैज वोन दी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 फॉर बुश फायर इमेज. सो दिस हैज बीन वोन बाय रॉबर्ट इरविन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पे अलका मित्तल. डेफिनेटली पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, अलका मित्तल. दी रिनोवेटेड सोशल वर्कर एंड दी रिनोन्ड सोशल वर्कर एंड रिसिपियंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड सिंधुताई सपकाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली. इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड बाई पद्मश्री अवार्ड. तो यहाँ पे 2021 को ही पद्मश्री अवार्ड मिला था सिंधुताई सपकाल. विच पेमेंट बैंक हैज बीन कैटेगराइज एज अ शेड्यूल्ड बैंक बाई द RBI आफ्टर पेटीएम पेमेंट बैंक. पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद एयरटेल पेमेंट बैंक को एज अ शेड्यूल्ड बैंक जो है कैटेगराइज कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. ऑलरेडी कहा गया था कि इंडिया का अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, दिस वॉज इन द बजट एज वेल. सो इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज बाय विच कंपनी, बाय क्रिप्टो वायर. विच रीजन स्टेट और यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी हैज सेलिब्रेटेड देयर ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल. सरल भाषा में लोसार फेस्टिवल कहाँ होता है? लोसार फेस्टिवल लद्दाख में होता है. लोसार फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख में. विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैप? दिस इज द एप्पल. हु हैज वोन दी रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी? सो दिस हैज बीन वोन बाय जिशान ए लतीफ. देखिए 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तो आप लोग को याद ही रहेगा एप्पल. लोसार फेस्टिवल ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, काफी बार आ गया है लद्दाख में. जरूर ध्यान रखिएगा फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, इसको लिख सकते हैं डबल स्टार, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC इज अलका मित्तल, एंड सोलो जिन्होंने ट्रैक किया है साउथ पोल में, आंसर इज हरप्रीत चांदी. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज योर IC15, और किन्होंने? यहाँ पे क्रिप्टो वायर ने. ये तीन चीजें आप जरूर लिख रखिए. और एयरटेल पेमेंट बैंक दैट यू कैन डू, कि पेटीएम के बाद किसे? एयरटेल पेमेंट बैंक को. ये चारों क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम इन विच सिटी? तो यहाँ पे हैदराबाद के अंदर रॉक म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया है. अगर पूछे कि कहाँ पे है रॉक गार्डन, रॉक गार्डन कहाँ पे है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन. किन्होंने बनाया था ये भी एक शिफ्ट में पूछा गया था पहले, तो नेक चंद ने बनाया था. विच बैंक हैज वोन दी UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी कैटेगरी? सो दिस हैज बीन वोन बाय साउथ इंडियन बैंक. हु हैज अचीव्ड फर्स्ट एवर गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022? 2022 के फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे किन्हें मिला है? तो मिला है JC चौधरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी.
शेफाली वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एंडोर्सर ऑफ विच फिनेंशियल कंपनी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा. विच टू कैरिबियन नेशंस हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102nd मेंबर बाय साइनिंग द ISA फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली पूछा जाने की संभावना है यहाँ पे. कौन से दो नेशन के द्वारा? एंटीगुआ एंड बारबुडा. 102nd मेंबर यहाँ पे कौन होंगे, इस तरीके से पूछा जा सकता है. या फिर किन नेशंस ने सबसे लेटेस्ट में ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये पूछा जा सकता है. जहाँ पे इंडिया का इनिशिएटिव हो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ विच फाउंडेशन टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, दैट इज PM पोषण स्कीम. तो ये अक्षय पात्र फाउंडेशन, दिस इज वेरी फेमस फॉर द वर्क दैट दे हैव बीन डूइंग इन दिस सेक्टर. अक्षय पात्र फाउंडेशन, दिस इज फॉर योर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. किन के साथ? पोषण, PM पोषण स्कीम के साथ. आप लोग इनके पेज को भी विजिट कर सकते हैं, अक्षय पात्र फाउंडेशन. विच सिटी हैज बीन, ओके आई विल अपलोड दैट, ओके आई विल अपलोड दैट, डोंट वरी. विच सिटी हैज बीन हैंडपिक्ड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू होस्ट द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल? तो 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल पुडुचेरी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज री अपॉइंटेड हुम एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस? एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के लिए अशोक गुलाटी कमीशन. क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अशोक गुलाटी कमीशन किस चीज से रिलेटेड है. सो इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस. अ न्यू बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021 ऑथर्ड बाय हुम? ऑथर्ड बाय जयंत घोषाल. ममता बियॉन्ड 2021. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर महाकाली रिवर? सो दिस हैज बीन डन बाय इंडिया एंड नेपाल. यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा अबाउट द सोलर अलायंस और इंडियाज फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम भी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज इन हैदराबाद. अक्षय पात्र फाउंडेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन नेशनल वाटर अवार्ड? डबल स्टार लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. उत्तर प्रदेश को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिला है बेस्ट स्टेट कैटेगरी नेशनल वाटर अवार्ड्स. एक समय था हम लोग बहुत से चीज़ों में फोकस करते रहते ना टाइम टू टाइम. अभी घर घर जल, हर घर जल जो है टू सप्लाई टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, ये हमारा वन ऑफ द प्राइम स्कीम है. और जहाँ पे भी वाटर से रिलेटेड ऐसा आपको, जैसे एक समय था जब पूछा जाता था सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो अभी ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज मिशन ओलंपिक सेल ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ विच एल्पाइन स्काइंग एथलीट इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप? तो यहाँ पे मोहम्मद अरीफ खान इज इन दिस कोर ग्रुप. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना. हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो फर्स्ट मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, हनी प्रोसेसिंग शहद का प्रोसेसिंग के लिए वैन यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं. कहाँ पे? गाजियाबाद में ये मोबाइल वैन आपका रहेगा. With which ministry the Department for Promotion of Industry and Internal Trade has decided to organize Startup India Innovation Week? So, किसके साथ हो सकता है Startup India Innovation Week? Ministry of Commerce and Industry के साथ. Organization of Petroleum Exporting Countries, that is the OPEC countries, जिसे कहते हैं हम OPEC countries, Organization of Petroleum Exporting Countries, has appointed whom as its new Secretary General? तो OPEC के new Secretary General यहाँ पे कौन है? अल घैस, हाइथम अल घैस. The
रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज लोअर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बाय व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज हमने फेब्रुवरी के करंट अफेयर्स में भी काफ़ी सारे हैं, तो रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे 9 पॉइंट, फिर से वो गैस 7 to 8%, हमेशा काम नहीं करता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा 9.3%। विद स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो गुजरात के अंदर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्टूडेंट स्टार्टअप्स। दिल्ली के अंदर भी जो है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब क्रिएटर्स बनाने के लिए एम्फेसाइज किया जा रहा है, और गुजरात के अंदर आपको स्टूडेंट स्टार्टअप्स के लिए टिक करना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है गुजरात और दिल्ली में। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्ज यहाँ पे किन्होंने लिया है? झांग मिंग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मिंग। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन पेंडेमिक रिस्पॉन्स रिपोर्ट। किस इंस्टीट्यूशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक? सो कौन हो सकता है, गेस कीजिए, UN वुमेन। External Affairs Minister has signed an agreement for second phase of Passport Seva Scheme with which country? So this is with which company? तो TCS जो कंपनी है, TCS के साथ यहाँ पे Passport Seva Scheme को साइन किया है External Affairs Minister। अब हम आते हैं 11th January के करंट अफेयर्स में। Who has won the Best Actor Award in Drama category in Golden Globe Awards 2022? जहाँ पे डबल स्टार लगा रही हूँ, मान के चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर, विल स्मिथ। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वीर बाल दिवस बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑन 26th of December, वीर बाल दिवस। लेजेंड्स लीग क्रिकेट हैज अपॉइंटेड हुम एज एन एम्बेसडर टू इट्स ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द LLC। कौन हो सकते हैं आंसर? हाँ, मिथाली राज या फिर जूलन गोस्वामी। जूलन गोस्वामी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड एन एक्सटेंशन ऑफ फंड्स रिसीव फ्रॉम नॉन फिनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स फ्रॉम 5 crore टू हाउ मच? 5 से यहाँ पे 7.5 crore। विच टू कंट्रीज हैज साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट दैट स्टैंड एज अ रिबुक टू चाइनास ग्रोथ एजर्टिव इन टू इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट, ताकि चाइना के अग्रेशन को यहाँ पे और उसके जो एजर्टिवनेस है कि सब कुछ चाहिए मेरे को इंडो पैसिफिक रीजन में, सो उसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। हु विल लीड द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इंक्वायर इनटू द सीरियस लैप्सेस इन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पे कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा पंजाब के अंदर, सो किन्हें यहाँ पे कमिटी के हेड बनाया गया है? सुधीर कुमार सक्सेना। लुसांग, ये फेस्टिवल है, लुसांग फेस्टिवल, थोड़ी देर पहले हमने लोसार फेस्टिवल देखा था लद्दाख के अंदर, तो जो लुसांग फेस्टिवल है वो कहाँ पे है? दैट इज योर इन सिक्किम। लुसांग फेस्टिवल इज इन सिक्किम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ नवरंग साइनी एज इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India. कितने समय के लिए? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, normally 6 months के लिए extend करते हैं at a time, no? So this is for 3 months at a time. World Hindi Day, very important question, double star. इससे पहले Will Smith आप लोगों ने लिख लिया होगा double star लगा के। World Hindi Day कब? 10th of January. Who has won the World Rapid Chess Championship 2021? नोदीर बेग हैज़ वोन दी
वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021। तो दो चीजें यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, विल स्मिथ एंड 10th of January। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर विल पब्लिश देयर डिस्क्रिप्शंस इन विच लैंग्वेज फॉर इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वेबसाइट। गेस कीजिए, इंडिया का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वेबसाइट होगा तो किस लैंग्वेज में पब्लिश होगा? हिंदी में पब्लिश होगा। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रैंक्ड 8th इन ग्लोबल लिस्ट फॉर वन टाइम परफॉर्मेंस? ग्लोबली, ग्लोबल लिस्ट में मुंबई एयरपोर्ट नहीं है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। RBL बैंक फॉर्मली नोन एज रत्नाकर बैंक हैज टाइड अप विथ विच टेक कंपनी टू एडवांस नेक्स्ट जेनरेशन कस्टमर एक्सपीरियंस? तो RBL ने यहाँ पे गूगल के साथ टाई अप किया है, तो आप सिंपली RBL गूगल लिख सकते हैं। ये बैंक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC के लिए थोड़ा सा कम। रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आंसर, भारत सुब्रमण्यम। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवॉर्ड फॉर 2021 फॉर द बेस्ट क्राफ्ट विलेज इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट अवॉर्ड यहाँ पे दिया है, तो पूछा जा सकता है। The 19th meeting of National Tiger Conservation Authority has been carried by whom? Has been carried by Bhupender Yadav. Ministry of Railways has approved the renaming of which railway station as Ekta Nagar Railway Station? Important. यहाँ पे केवाड़िया रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, स्पेशली अगर आप रेलवेज के लिए भी प्रिपेयर हो रहे तब। विच फॉर्मर RBI गवर्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? उर्जित पटेल। The biography of Ratan N Tata, the authorized biography, is penned by whom? So this has been penned by Dr. Thomas Matthew. Who has won the men's single title at 2022 Melbourne Summer Set 1? तो यहाँ पे men's title किन्हें मिला? Guess कीजिए, Roger Federer की Rafael Nadal, Novak Djokovic भी हो सकते थे। Answer is Rafael Nadal. Important question. तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को हिंदी में यहाँ पे इंडिया के लिए वेबसाइट बनाएंगे और अबाउट इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी रफेल नडाल। केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट अवार्ड इज आल्सो, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? क्वेश्चन, ऑन January 12th। किनके लिए, किनके बर्थ एनिवर्सरी पे? स्वामी विवेकानंद। आई होप ये आपको पता है पहले से, नहीं पता है तो डबल स्टार लगा के लिख लीजिए इसको, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस बाय नाउ। अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? सो अभी लेटेस्ट हम लोग का रैंक कितना है? 83rd। रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बाय सक्सीडिंग गीता गोपीनाथ? गीता गोपीनाथ के बाद यहाँ पे किन्होंने टेक ओवर किया है? पेरी ओलिवियर। 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज कंक्लूडेड इन विच स्टेट? गेस, असम। Which state has got first position out of 26 state? Very important. In India Skill 2021 National Competition. तो यहाँ पे उड़ीसा को मिला है in India Skill 2021. इन्हें मिला उड़ीसा को। Which city has been chosen as India's first heli hub
विथ ऑल एविएशन फैसिलिटी, हेली हब है इसमें सारे जो है एविएशन फैसिलिटीज है गुरुग्राम में है। अजाज पटेल हु हैज वोन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? अजाज पटेल हेल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी, डबल स्टार लिख लीजिए, फर्स्ट सिटी टू हैव अ वॉटर मेट्रो प्रोजेक्ट? गैस कहाँ पे हो सकता है? कोची। कोची में है इंडियाज फर्स्ट वॉटर मेट्रो प्रोजेक्ट। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन हैज लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू हेल्प पैसेंजर्स ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंग्स? अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है तो उसे ट्रैक कर सकते हैं। मिशन अमानत, अमानत खो गया तो अमानत यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अवॉर्डेड बाय 12th भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2022? किन्हें अवॉर्ड किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा। इस पेज में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो ध्यान रखिएगा। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, कोची, स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी, आई होप ऑल ऑफ यू नो, नेशनल यूथ डे, दैट इज ऑन 12th of January। पासपोर्ट में, पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 83, सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th of January एवरी ईयर? वी ऑब्जर्व द इंडियन आर्मी डे, आई होप यू नो दिस बाई नाउ। हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडिया वुमेन हॉकी टीम फॉर एशिया कप? कैप्टन कौन? सविता पुनिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ब्रिंग लॉ टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए मध्य प्रदेश यहाँ पे लॉ लेके आएंगे। सरोज पटनायक हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस म्यूजिक कंपोजर। क्लाइव लेलॉर्ड हु हैज बीन गिवन द ऑनर ऑफ नाइटहुड फॉर हिज सर्विस टू द गेम ऑफ क्रिकेट वॉज द कैप्टन ऑफ विच क्रिकेट टीम? कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज। विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड US dollar 375 million contract for BrahMos missile to boost India's defense export? Very important. यहाँ पे Philippines को दिया गया है to boost India's defense exports. The 18th Kachai Lemon Festival 2022 has begun. कहाँ पे start हुआ ये lemon festival? Manipur में। अभी असम में एक lemon का price, you won't believe, वन लेमन इज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 15 rupees, बिकॉज 30 rupees फॉर टू लेमन्स अभी होके रखा है। सो वेन पीपल सेड दैट ये तो काफ़ी ज़्यादा है, देन द मिनिस्टर हैज सेड कि हर घर में आप एक टब में लेमन का पेड़ उगाए तब ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास तो 5-6 लेमन के पेड़ है। एनीवेज, दैट्स द सोल्यूशन सजेस्टेड। Who has been appointed as chairman of the Indian, और वो तब जब यहाँ पे इतना सारा lemon cultivation grounds है, intermediaries you see in agriculture. Who has been appointed as chairman of the Indian Council of Historical Research? यहाँ पे किन्हें appoint किया गया है? रघुवेंद्र तनवार. All India Sports Council of the DIF will host the first World DIF T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन विच स्टेट? केरला के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20। सो वी स्पेल्ड इज डेफ, हु इज अ डेफ, जिनको सही से या तो थोड़ा सा कम सुनाई देता हो ऐसा। ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल यूथ डे 2022, दैट इज ऑन 15th of, यू सेलिब्रेट द इंडियन Army Day on 15th of January and you celebrate the National Youth Day on 12th of January, the birth anniversary of Swami Vivekananda. Prime Minister has inaugurated an MSME Technology Center in which state? तो ये MSME Technology Center महाराष्ट्र के यहाँ, agriculture का। According to recently released state of forest report 2021, how much percent of India is under forest cover?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह आप इसको उठा के लिख भी सकते हो कहीं भी जरूरत पड़े तो, कि रिसेंटली जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, इंडिया में अभी कितना फॉरेस्ट कवरेज है, आइडियली 33% होना चाहिए बट नाउ वी हैव 21.71%। ओके, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर, आंसर 21.71, वेरी इंपॉर्टेंट। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, पेंशन के बारे में जो भी शिकायत रहेगा उसका निवारण करेंगे, उसका रिड्रेसल करेंगे, ये किन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडिया हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $900 million लोन टू विच कंट्री टू डिप्लीट फॉरेन रिजर्व एंड फॉर फूड इम्पोर्ट्स, तो यहाँ पे श्रीलंका को इंडिया ने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है $900 million का लोन। डेनियल ऑर्टिगा हैज स्वोर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, डेनियल ऑर्टिगा हैज स्वोर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली बिकम मोस्ट प्रिफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया, तो पेटीएम पेमेंट बैंक इज द मोस्ट प्रिफर्ड UPI बेनिफिशियरी। Which edition of Dhaka International Film Festival has recently begun in Dhaka, Bangladesh? 20th edition has begun. Ministry of Defense has allocated how much Armed Forces Flag Day fund? So, the fund that has been allotted for the welfare of veterans is your 320 crore. What is the name of the technology platform backed by Zomato that has acquired Rocket Box for an undisclosed sum? तो यहाँ पे शिप रॉकेट इज द आंसर। रिसेंटली इंडिया एंड जापान होल्ड मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल, इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन द एब्रीविएशन JMSDF, सो एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ। व्हाट कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JMSDF? Anybody? JMSDF is an exercise between India and Japan. That is the hint. कभी भी इसको ब्रेक डाउन करना हो तो आप सोचिए किस बारे में है, इंडिया जापान। सो J फॉर क्या हो सकता है, J फॉर जापान। M फॉर क्योंकि यहां पे समुद्री है, नेवल है, तो M फॉर मैरिटाइम। S फॉर ऑलरेडी यहां पे सेल्फ। डी फॉर क्या हो सकता है, डिफेंस। एफ फॉर क्या हो सकता है, फोर्स। सो इट इज जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इसमें क्या होगा, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑन पद्मश्री रिसिपियंट HPS आलूवालिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हायर देन एवरेस्ट। ओके, हायर देन एवरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज बिल्ड एन आर्टिफिशियल लो ग्रेविटी रिसर्च फैसिलिटी वेयर द ग्रेविटी कैन बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ पावरफुल मैग्नेट्स, किस देश ने, कौन सा देश हो सकता है आर्टिफिशियल लो ग्रेविटी रिसर्च फैसिलिटी जहां पे ग्रेविटी कैन बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ पावरफुल मैग्नेट। ग्रेविटी कैन बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ पावरफुल मैग्नेट्स, चाइना। लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज हु पास्ड अवे रिसेंटली, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, ऑनर्ड विथ कंट्रीज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण इन विच ईयर, इन द ईयर 1986, हु हैज वोन द मेन सिंगल फाइनल एट द ऑनगोइंग इंडिया ओपन 2022 एट KD जादव स्टेडियम, सो दिस हैज बीन वोन बाय लक्ष्य सेन। Which village of Kerala has become the country's first sanitary napkin free panchayat under Avalkai initiative? Very important, double star. कौन सा कहाँ पे? Obviously guess कर सकते हैं, केरला के अंदर ही होगा, correct guess. So first sanitary napkin free is your Kumbalangi, Kumbalangi is the place.
हु हैज लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन स्टार्टअप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एल्यूमिनाई फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च द स्टार्टअप. Who has been appointed as the CEO of Adani Power? CEO of Adani Power is B. Khyalia. Who has become world number one in badminton under 19 girls singles? Sports section mein very important question. Under 19 girls singles mein kinhone world number one yahan pe paya hai? Tasneem Mir. Tasneem Mir. Sirf naam bhi likh lenge to bhi dhyan rahega aapko. PM Narendra Modi has declared which day of January as National Startup Day. तो यहाँ पे 16th of January को National Startup Day declare कर दिया गया है. Indigenously designed and built guided missile destroyer INS Kochi conducted a passage exercise that is PASEX with RFS Admiral tributes on which country's navy in the Arabian Sea. तो यहाँ पे बेसिक्स किसके साथ कंडक्ट किया है? रशिया के साथ कंडक्ट किया है. विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन MDA सेट? किस देश ने यहाँ पे? साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट निकाला है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो आपको ध्यान रखना है केरला, ध्यान रखना है पंडित बिरजू महाराज, आप लोग को पता ही है. स्टैटिक के अंदर भी पूछा जा सकता है. Important Kathak dancer. Who has taken charge as the new chairman of Apparel Export Promotion Council? Narendra Goenka. Goenka, आपको वैसे भी यहाँ पे showrooms वगैरह दिखते हैं ना, Goenka school भी है, तो Narendra Goenka. Who has been awarded as the best men player in the world at the FIFA Awards 2021? Answer, Robert Lewandowski. Who has become first black woman to appear on US coin? Very very important. Zarur isko aap likh lijiye. Maya Angelou. Maya Angelou is the first black woman to appear on US coin. Ninth Women National Ice Hockey Championship 2022 has been started in which state? This has started in Himachal Pradesh. Question number 3 zarur likh lijiye. Zarur pucha jayega kisi na kisi shift mein. Toshiki Kaifu, who has passed away recently, former president of which country? Former president of Japan. Toshiki Kaifu. Who has won the gold medal at the International Folk Art Festival? एक तो आपका आर्ट के लिए जो वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला था, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट को मिला था, वो ध्यान रखना है. और यहाँ पे सुमित भाले गोल्ड मेडल इनको मिला है एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल. विच स्टेट हैज बैक द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021? वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टअप में कर्नाटका जो है यहाँ पे हैज बैक द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स मिला है. अस्लान करातसेव, हु हैज वोन द सिडनी टेनिस क्लासिक 2022, हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? सो हेल्स फ्रॉम रशिया अगेन. हु हैज बीन क्राउंड एज द विनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022? मिसेस वर्ल्ड 2020 को यहाँ पे मिला है शाइलिन फोर्ड को. हु हैज वोन द अवार्ड फॉर द नेशनल बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम एट द प्रेस्टिजियस मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट? कहाँ पे हुआ था? लास वेगास में हुआ था. नवदीप कौर को मिला है, नवदीप कौर. तो ये क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस भी बहुत है. इस स्लाइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे. कर्नाटका को सबसे ज्यादा यहाँ पे अवार्ड्स मिला था, ये जरूर याद रखिएगा. माया एंजिलो जरूर आप लोग लिख लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेशनल आइस हॉकी आप लोग गेस कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी हैज कमीशन टू सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन विच टू सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सबसे लेटेस्ट किस कंट्री ने, 102nd कंट्री कौन सा है, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कौन सा कंट्री लेटेस्ट है. तो ये प्रयागराज एंड बंदा.
हु हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? द न्यू प्रेसिडेंट इज रॉबर्ट मेट्सोला, रॉबर्टा मेट्सोला. द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF हैज सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे एवरी ईयर. कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 19th ऑफ जनवरी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज मनोज पांडे. The iconic Infinity Badge is located in which country? The iconic Infinity Badge is located in Dubai, which is formally open to traffic for the first time recently. Which telecom company has become first telecom company? Important ho gaya. To roll out UPI. UPI mein most preferred kaun hai? Paytm. AutoPay. UPI ऑटो पे कौन हो सकता है? जियो. जियो हैज रोल्ड आउट UPI ऑटो पे. विच डिजिटल मोबाइल वॉलेट कंपनी एंड फिनटेक कंपनीज हैज लॉन्च्ड क्लिक पे फॉर इट्स कस्टमर्स इन कोलेबोरेशन विथ NPCI भारत बिल पे लिमिटेड? तो यहाँ पे मोबीक्विक जो है, मोबीक्विक ने लॉन्च किया है क्लिक पे. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज वोन द IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट CRM सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन? बेस्ट CRM सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इज बाय एक्सिस बैंक. नेक्स्ट इज अ बुक टाइटल्ड, या श्योर, मंथली करंट अफेयर्स में एक PDF बना दूंगी, उसमें अपडेट करती जाऊंगी. अ बुक टाइटल्ड एज बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट इज पेंड डाउन बाय होम? So this has been penned down by Chandrashur Ghosh. Senior bureaucrat Vikram Dev Dutt has recently appointed as the chairman and managing director of which company? Chairman and managing director of Air India. Important question, double star, kaun Air India ke chairman and managing director CMD is your Vikram Dev Dutt. Important question. तो इस स्लाइड में फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी ऑटो पे, जिन्होंने यहाँ पे UPI ऑटो पे किया है, जियो, वो आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज योर द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोफेशनल माउंटेनियर मनोज हरिपाल सिंह आलूवालिया हु पास्ड अवे रिसेंटली. ही हैज वोन द अर्जुना अवार्ड. नाउ द क्वेश्चन इज इन विच ईयर ही वोन द अर्जुना अवार्ड? So in the year 1965. Which company has become title sponsor of Toronto Waterford Marathon? So this has been won by TCS again. So the answer is TCS. The Union Cabinet approved infusion of how much rupees in Indian Renewable Energy Development Agency Limited? तो यहाँ पे कितने rupees put up किया है? 1500 crore. Which country has completed successful flight test of Aero 3? So this has been completed by Israel. Israel, हमने फेब्रुवरी के करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इसराइल है. ऐसे तुक्का नहीं लगाने का, बट अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद आ जाता है. Aero 3. Which country will hold the AFC Women's Football Asian Cup 2022? Very important question. India will host AFC Women's Football Asian Cup 2022. Upar se India is hosting, so it is very important. Which country has announced the initiative of the Open Data Week to encourage adoption of open data and promote innovation across India's urban ecosystem? Kaun ho sakte hai yahan pe? Excuse me. It is by Ministry of Housing and Urban Affairs. Which government agency has launched Sathi mobile app on investor education? So this has been launched by SEBI. तो यहाँ पे Sathi SEBI. SEBI Sathi. The Indonesian Parliament has approved a bill to relocate the country's capital from Jakarta to which city? अभी इंडोनेशिया का कैपिटल आगे आपसे पूछेंगे, तो relocated to Nusantara.
The Border Security Force, BSF, has launched Operation Sard Hawa in which state to increase the surveillance in the Pakistan border? Sard Hawa, Rajasthan. Recently, the Union Cabinet has approved the extension of tenure of National Commission for Safai Karmacharis by how many years? So, by a tenure of 3 years, the Union Cabinet has approved the extension of the tenure of National Commission for Safai Karmacharis. Who has grabbed a top spot in global rating amongst the world leaders? So, Narendra Modi has got this top spot. So, definitely this question will be asked. Tripura, Manipur and Meghalaya has celebrated their foundation day. Very important, 21st January. आप ध्यान रखेंगे तो आपको तीन स्टेट एक साथ ध्यान रखना है. त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय has celebrated their foundation on 21st of January. For all three states, तो आपको काम आएगा, है ना? Which of the following dance form is not associated with them? इनमें से कौन सा dance form यहां से associated नहीं है? तो यक्षगान is not associated here. Next is, अच्छा, can anybody tell me कि ये किस state का dance form है? यक्षगान is the dance form of which state? Anyone? It is the dance form of Karnataka. Karnataka ka dance form hai Yakshagana. Okay. Amar Jawan Jyoti flame has been merged with the flame of National War Memorial in the solemn ceremony. Amar Jawan Jyoti is located in which city? To ye aapka New Delhi mein located hai. Ye aap sabhi logo ko pata hi hoga pehle se. Who has roped in as the ambassador of Universal Acceptance Steering Group, which is the community-based team of industry leaders supported by global internal body ICANN. So, who has been roped in? Vijay Shekhar. Okay, dekhenge. The board of directors of the Indian Farmers Fertilizer Corporation Corporative has been elected. Kinko inhone yahan pe 17th chairman के रूप में इलेक्ट किया है. तो दिलीप शंघानी हैज बीन इलेक्टेड एज द 17th चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्लेयर्स विच वर्ड एज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021. वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर इज एंजाइटी. एक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी हैज गॉट द टॉप स्पॉट इन द ग्लोबल रेटिंग अमंग्स द वर्ल्ड लीडर. देन त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 21st ऑफ जनवरी, यक्षगाना कर्नाटका, चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 इज योर एंजाइटी. ओके, एल्बर्ट बोरला हु हैज रिसेंटली वोन $1 million गिनेस प्राइस, जेनेसिस प्राइस, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? फाइजर. फाइजर जो आपका वैक्सीनेशन कोविड के लिए बनाया था ना, तो उसके लिए. विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस? जहां मैं डबल स्टार लगा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर. सो दिस हैज गॉन टू बारबर आजम. नेक्स्ट इज Laboratory for Innovative, that was you only asked no about I guess IDBI ke baare mein, full form ke baare mein pucha tha na mere khayal se. So I responded that time. Laboratory for Innovation, Venturing and Entrepreneurship has signed a memorandum of understanding with which bank to financially support early stage startups? Kis bank ke saath ye start kiya hai? Indian bank ke saath sign kiya hai. हाँ, तो बाबर से बाबर याद रह जाएगा. सही. विच स्टेट हैज जॉइंड हैंड्स विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया बाय स्ट्रेंथनिंग देयर रिलायंस टू क्लाइमेट चेंज?
किन के साथ, किस स्टेट ने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है? दिस हैज बीन स्टार्ट बाय उड़ीसा। उड़ीसा ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है टू सिक्योर द फार्मर्स विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी। हु हैज बीन कन्फर्ड विथ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड एट द वॉशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021। दिस इज गॉन टू सुष्मिता सेन। Who is the author of the recently released book The Legends of Birsa Munda? The Legends of Birsa Munda by Tuhin A. Sinha. Recently, scientists have named a new species of rain frog after whom? So this new species is named after Greta Thunberg. Which village of Jammu and Kashmir has been declared as the first milk village? Double star important likh lijiye. फर्स्ट मिल्क विलेज जेरी हेमलेट, हेमलेट से आपको याद रह जाएगा जेरी हेमलेट। ओके, कॉकबोरोक डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस वेयर? कॉकबोरोक डे इज इन त्रिपुरा एंड ऑन विच डेट? 19th of January। कॉकबोरोक इज अ लैंग्वेज और इस लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट अ 216 feet स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य इन विच सिटी? रामानुजाचार्य के ऑलरेडी स्टैच्यू जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। कहाँ पे? हैदराबाद में, रामानुजाचार्य। Who has been appointed as the managing director, National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited? Chanchal Kumar has been appointed as the managing director. By the way, the last question, this question is very, very important, that Ramanujacharya ke kahan pe statue ko yahan pe install kiya gaya hai aur kitna feet ka hai, ye bhi bahut important hai. 216 feet ka hai, Hyderabad mein install kiya gaya hai. Which state government has recently launched one stop website to promote electric vehicles? Electric vehicles ko Delhi ke andar yahan pe promote kiya ja raha hai. Who has become India's United Nations Development Program first youth climate championship? Very important. Prajakta Kohli. Prajakta Kohli has a YouTube channel as well, jahan pe she always says love love in the end. So India's United Nations Program first youth climate champion. Reserve Bank of India has approved the appointment of woman as independent chairman of Unity Small Finance Bank. Kinhe? Vinod Rai. National Girl Child Day kab observe kiya jata hai? National Girl Child Day 24th of January ko observe kiya jata hai. Government of Himachal Pradesh and Haryana has signed Memorandum of Understanding for construction of Adi Badri Dam for the revival of which river? Himachal Pradesh, Haryana mein hona padega. Adi Badri Dam kahan pe? Saraswati River ke revival ke liye. Which state has recently launched India's first AVGC Center of Excellence? So, India's first Center of Excellence, which state? Karnataka. Which state government has launched Apna Kangra? So, Kangra Valley kahan pe hai? Himachal Pradesh mein. So, kaun launch karenge? Himachal Pradesh. Which district has been topped in the District Good Governance Index prepared by Development of Administrative Reforms and Public Grievance? This is by Jammu. This is very important kyunki yahan pe first, again, topped matlab kya ho gaya? First hi pucha ja raha hai. Okay, first hi pucha ja raha hai. To yahan pe pucha ja raha hai first in District Good Governance Index prepared by Development of Administrative Reforms and Public Grievance. वो पूरा एक बुक था, दैट वॉज अ बुक। वो फर्स्ट लाइन से डिसीजन नहीं लेना है, एक पूरा बुक था, स्टोरी था, जिसमें शुरू हुआ था हाइपोथेसिस के साथ दैट इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच
और इन द एंड दैट हाइपोथेसिस वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, है ना, इन द एंड वो हाइपोथेसिस को ही रॉन्ग प्रूफ किया था. जैसे मूवीज में काफी बार, स्पीचेस में काफी लोग करते हैं, शुरू में एक हाइपोथेसिस देते हैं और बाद में अपनी हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करते हैं. तो उस स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ था. एनीवेज, हु हैज बीन कन्फर्ड विथ द नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो बाय हु? सिंजो आबे कन्फर्ड विद द नेताजी अवार्ड 2022. इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 23 एज विच डे टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इस डे को यहाँ पे पराक्रम दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, पराक्रम, हाँ पराक्रम दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जनवरी. एंड वाई? टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. पराक्रम दिवस डेफिनेटली दे विल आस्क यू इन एग्जाम. नेक्स्ट इज गुट डॉट रोप्स इन हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. तो कौन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा. तो पूछ, सिंस द आंसर इज नीरज चोपड़ा, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज वुमेन आइस हॉकी टीम हैज वोन दी 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022? कौन हो सकते हैं? हिमाचल प्रदेश तो है नहीं ऑप्शन में वैसे भी, सो द आंसर इज लद्दाख. इन मैनी प्लेसेस देर टीचिंग आइस हॉकी और लर्निंग आइस हॉकी इज डन इन लद्दाख. विच कंट्री हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द ऑनगोइंग एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022? इंडिया हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of January? 23rd of January में पराक्रम दिवस था. 25th of January में क्या है? येस, आई विल अपलोड द PDF. 25th of January में क्या है? नेशनल वोटर्स डे वी सेलिब्रेट. रिसेंटली हाउ मेनी अवार्ड्स हैज बीन कन्फर्ड इन इन दिस इज इम्पॉर्टेंट डबल स्टार. रिसेंटली हाउ मेनी अवार्ड्स हैज बीन कन्फर्ड इन द इनोवेशन कैटेगरी इन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार? सो 7. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड हुम एज द चेयरपर्सन ऑफ ओके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो 5 years के लिए यहाँ पे विनोद नंदन झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन. हु हैज वोन द रेशल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द 17th एडिशन ऑफ ICC अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021? सो दिस हैज बीन वोन बाय स्मृति मंदना. दिस कैन बी आस्क्ड. रामचंद्रन नागस्वामी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ही वॉज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी. The World Bank has approved a loan of $125 million to which state to support social protection services access to the poor and vulnerable people? ध्यान रखिएगा यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है. और किन को ये अमाउंट दे रहे हैं? वेस्ट बंगाल को यहाँ पे ये लोन दे रहे हैं $125 million का. Please don't do this. Only comment related to the studies. Okay, the Gujarat government has named an underbridge in Rajkot after whom to honor them? किनके नाम पे इन इसको यहाँ पे दिया गया है? तो ये आपका बिपिन रावत को honor करने के लिए. And as you know, there was a helicopter crash.
Which movie from India has won the best film award in the Asian Film Competition section in the 20th Dhaka International Film Festival? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन फिल्म है और कहाँ पे, 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे अवार्ड मिला है. सो दैट इज योर कुजंगल. विच डेवलपमेंट बैंक हैज कमिटेड 150 मिलियन US डॉलर टू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर? डेटा सेंटर के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पे इसको प्रॉमिस किया है. सो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस, दे हैव कमिटेड दिस. और अगर पूछे कि वेस्ट बंगाल को कौन यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन के लिए 125 मिलियन US डॉलर दे रहे हैं, देन योर आंसर इज वर्ल्ड बैंक. फुलरटन इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड लेंडिंग प्रोडक्ट्स टू मर्चेंट पार्टनर्स एंड कंज्यूमर्स, कस्टमर्स को यहाँ पे पेटीएम के साथ दिस इज द पार्टनरशिप. फुलरटन इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ पेटीएम टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स. थोड़ा सा बचा है, लेट अस कंप्लीट दिस एज वेल. रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज डिसाइडेड टू नेम द विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर हुम. विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और दिस इज गोइंग टू बी नेम्ड आफ्टर नंदमुरी तारका रामराव. पद्मा अवार्ड 2022 वॉज कन्फर्ड अपॉन अ टोटल हाउ मेनी पीपल इन थ्री कैटेगरीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फर्ड अपॉन 128 पीपल. दी इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of January. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम अवॉर्डेड अहम वैभव अवार्ड टू हुम? सो दिस वॉज अवॉर्डेड टू रतन टाटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड. यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द एमलगमेशन ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इन विच बैंक? सो दिस एमलगमेशन इज गोइंग टू बी इन द यूनिटी स्मॉल फिनेंस बैंक लिमिटेड. इन द यूनिटी स्मॉल फिनेंस बैंक लिमिटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेट टू बी नोटिफाइड एज फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑन राजस्थान? वेरी इंपॉर्टेंट, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज गोइंग टू बी नोटिफाइड एज फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान. पुट अ स्टार, राइट दिस डाउन. इंपॉर्टेंट है कि रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है राजस्थान में. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कहीं पे भी आप इसको लिख भी सकते हैं, 85th है. इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज 85th. इंडियाज रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इज 83rd. सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल साइंटिफिक बर्ड एटलास इन इंडिया? साइंटिफिक बर्ड एटलास कहाँ पे? केरला. फर्स्ट फिनेंशियल कंपनी लॉन्च्ड फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाइप विथ GOQI, दैट इज योर फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड. यहाँ पे किन्होंने इनॉग्रेट किया है? सिटी यूनियन बैंक. द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज कट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021-22 टू वॉट परसेंट? अगेन तुक्का क्या लगाएंगे, 7 to 8? नहीं, इधर है 9%. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने फोरकास्ट किया है 9% पे. ओके, दैट इज द, वी हैव नाउ कम टू द 31st January करंट अफेयर्स. Who has been appointed as the new chief economic advisor by the government of India? Very, very important. And the answer is Anantha Nageswaran. Very, very important. Anantha Nageswaran is now the chief economic advisor. Which missile corvette will be turned into India's first fully warship museum? Pehla फुल वॉरशिप म्यूजियम किसे बनाया जाएगा? INS खुकरी. INS खुकरी विल बी द फर्स्ट वॉरशिप म्यूजियम. मार्टियर्स डे और शहीद दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन January 30 इन द मेमोरी ऑफ हुम? सो मार्टियर्स डे इज इन मेमोरी ऑफ, जो आपका 30th of January को ऑब्जर्व किया जाता है. 30th January इज ऑब्जर्व फॉर महात्मा गांधी.
विच फॉरेन कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड टू अलाउ इंडियन कस्टमर्स विथ एन एक्टिव यूपीआई आईडी टू रिसीव रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट. तो यहाँ पे टेरा पे हैज अलाउड द इंडियन कस्टमर्स टू रिसीव द इंटरनेशनल पेमेंट्स. अ बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे भी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दिखे, वेरी इंपॉर्टेंट. हैज बिन ऑथर्ड बाय होम, हैज बिन ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट. सो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, इसको जरूर आप लिख लीजिए. कम टू द नेक्स्ट वन. हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एच पी सी एल के न्यू चेयरपर्सन यहाँ पे कौन है? पुष्प कुमार जोशी. इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज डबल स्टार, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे? इट इज इन गुरुग्राम. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज अनवेल्ड इन विच कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, सो अगेन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, दिस हैज बीन इन नेदरलैंड. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, कौन हो सकता है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. वॉट इज द अदर नेम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर ऑन समर कैंपेन? सो द अदर नेम हियर इज योर समर्स में क्या? रबी कॉन्फ्रेंस. ओके, समर कैंपेन के लिए रबी कॉन्फ्रेंस. सो दीज वेर दी क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप दोबारा से देख सकते हैं, जहां पे डबल स्टार लगा हुआ है वो डबल स्टार वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रोसेसिंग होने में वीडियो थोड़ा सा टाइम लगाता है, उसके बाद व्हेन इट विल बी पब्लिश्ड आई विल अपलोड द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी ये PDF आप लोग के साथ इंस्टेंटली शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं. इट इज़ बाय माय नेम ओनली, अंतरा भुयान. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. आगे हम 31st ऑफ मार्च को कंप्लीट मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, और आप फिर जो भी 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया है उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर सकते हैं, या फिर हम वन लाइनर्स में भी एक सिंगल रिवीजन क्लास यहाँ पे कर सकते हैं. लेट अस सी इफ वी विल बी एबल टू कवर दैट. ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.